सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज ऑल गुड। सो गाइज, होप करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज आपका भाई आ रखा है कोडरमा। और सो गाइज, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे गंगा सतलुज एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 13307। इस ट्रेन को हम एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हमने थर्ड एसी की टिकट बुक की है एंड फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा ये। थर्ड एसी में पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, इसमें लिंक मिल जाएगा, आप वो भी चेक कर लेना। बाकी हम कोडरमा से जाएंगे अंबाला, अंबाला तक की हमारी ट्रेन है एंड इसमें हम डिस्टेंस कवर करेंगे 1219 किलोमीटर एंड हमारी ट्रेन है 11:35 की। और अभी बज चुके हैं 8:57, देख सकते हो 8:57 हो चुके हैं। एंड गाइज, अभी तो काफ़ी टाइम है, हम पहले जल्दी आ गए थे क्योंकि हमारे गांव से यहाँ तक के लिए जो बीच में डिस्टेंस कवर करने के लिए गाड़ी वगैरह बस वगैरह मिलती नहीं तो शाम को बंद हो जाती, इसलिए हमने जल्दी बस पकड़ के हम 2-2.5 घंटे पहले आ चुके हैं। एंड अभी हमारी ट्रेन लेट है, लेट तो नहीं है, 11:35 की है, बाकी देखते हैं लेट है या जल्दी है। और हर चीज़ मैं एक्सप्लोर करूँगा, वीडियो को एंड तक देखना एंड होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो गाइस देख सकते हो अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटर हैं बट यहाँ पे आदमी एक ही बैठा हुआ है टिकट देने के लिए। सबसे बेकार बात है कोडरमा स्टेशन की। और ये वेटिंग एरिया, सारे बंदे बैठे हुए हैं, सामने देख सकते हो आप कंटीन टाइप बना हुआ है। और हम फिर दोबारा लिफ्ट से चलते हैं ऊपर, देख सकते हो आप इस टाइप की लिफ्ट मिल जाएगी। बस एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कोडरमा स्टेशन की, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है और काम भी कर रही है और देखते हैं नीचे आ रही है, साइन लगा हुआ है लिफ्ट का, देखिए आप ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी है, खुल जा सिम से खुल गई। तो गाइस हम चलते हैं, ये घिस चुका है गाइस, देख सकते हो आप, मेरे को समझ नहीं आता क्या दबाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ बट ये घिस गया है। एक नंबर पे चलते हैं, कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे लिखा हुआ बट मेरे को दिखाई नहीं, खुल गया, खुल चुका है। और यहाँ पे कुछ उस टाइप के बोर्ड लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस, इमरजेंसी बैटरी डिवाइस, ठीक है। और ये रहा प्लेटफॉर्म एक, हमें प्लेटफॉर्म एक पे नहीं जाना, हमें प्लेटफॉर्म 4 पे जाना है। प्लेटफॉर्म 4 पे आई हमारी ट्रेन 11:35 पे, देखते हैं लेट तो नहीं है हमारी ट्रेन, बाकी चलते हैं देखते हैं नीचे। देख सकते हो आप ये वेटिंग हॉल है बट ये तो बंद है, और बाहर जाने का रास्ता इस साइड से, बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ पे नीचे का सीन कुछ इस तरह से है। बाकी अभी और एक्सप्लोर करते हैं, ये चीज़ अच्छी है जो वेटिंग हॉल के साथ में है, पेंटिंग अच्छी बना रखी है। और बाकी भाई आप देख सकते हो पेंटिंग कितनी अच्छी बना रखी है, मेरे को पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है। रेलवे सुरक्षा बल थाना कोडरमा, पेंटिंग एक नंबर है भाई, देख सकते हो कोडरमा का लोगो लगा हुआ है, सामने स्टेट्स हैं, एक प्लेटफॉर्म इधर है, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये अपना 4 नंबर है, ये अपने वाला है 4 नंबर। अब ट्रेन यहाँ आएगी, देखते हैं कितने बजे आती है। टाइम हो चुका है हमारा 9:30 हो चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं, देख सकते हो आप टाइम। और अभी ट्रेन को तो काफ़ी टाइम है, देखते हैं कितनी देर में आती है ट्रेन। तो गाइज आप देख सकते हो ये कोडरमा में पानी वाला लगा हुआ है, 1 नल 2 नल 3 ये 4,
किसी में भी पानी नहीं आ रहा भाई, किसी में भी पानी नहीं आ रहा। ये हाल है कोडरमा स्टेशन के। तो गाइस मेरे को ये लोगो बहुत अच्छा लगा, कुछ कुछ चीज़ें कोडरमा स्टेशन की अच्छी हैं, मुझे ये अच्छा लगा। पूरे 11:35 हो चुके हैं और ये रहा B3 ट्रेन नंबर 13307 और ये रहा B3, ये हमारा कोच है। अब देखते हैं यहाँ पे रुकती है कि नहीं ट्रेन। वैसे तो 11:35 का टाइम था, अभी तक ट्रेन आई नहीं है, देखते हैं कितनी लेट है। देख सकते हो पानी आ रहा है यहाँ पे, साबुन फिर से नहीं रखा इन्होंने। और चलो देखते हैं वॉशरूम कैसा है यहाँ का। सबसे पहले तो बस वही आपको टांगने के लिए मिल जाएगा। इस बार इन्होंने हैंड वॉश दे रखा है और पानी बहुत तेज आ रहा है। यहाँ पे भी एक प्लग दे रखा है, बाकी एक डस्टबिन भी दे रखा है और यहाँ पे भी आप कूड़े डाल सकते हो। बाकी ये मिरर है, ठीक है वॉशरूम इतना भी गंदा नहीं है, मतलब कि ठीक है। और बाहर वहाँ पे जो इन्होंने बना रखा है हैंड वॉश के लिए, वहाँ पे साबुन रखा ही नहीं है, बट यहाँ पे सोप दे रखा है, ये सही है, ठीक है वॉशरूम है ना। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और 11:35 की नहीं थी, सॉरी 11:47 का टाइम था और 45 में निकलना था और 11:45 में निकल चुकी ट्रेन। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और बाकी अभी मैं आपको अपना टूर दिखाता हूँ कैसा है। मैंने भी आपको वॉशरूम दिखाया, बाकी अभी मैं आपको अपनी सीट दिखाता हूँ। जितना भी हो सकेगा पॉसिबल उतना मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी लोग सारे सोए हुए हैं। बाकी मैं मॉर्निंग में आपको प्रॉपर सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी दिखाता हूँ अपना। सुबह के बज चुके हैं 6:03 और हम पहुंच चुके हैं अभी वाराणसी। और बाकी अभी हम अभी अभी उठा हुए हैं और 6:03 हो चुके हैं, चलते हैं फ्रेश होते हैं और बाकी अभी दिखाता हूँ आपको 3rd AC, ठीक है। देख सकते हो आप 12, 13, 14, एक हमारी ये वाली सीट है और एक ये वाली सीट है हमारी। और गाइस आप देख सकते हो 3rd AC में आपको ये वाटर बार मिलेगा, एक ही सीट है, इससे ऊपर तक कर सकते हो आप। बाकी आपको ये टेबल मिल जाएगा और ये कर्टन मिल जाएंगे आपको, इस तरह के 2 कर्टन मिल जाएंगे आपको। ये कर्टन आप साइड कर सकते हो, ये 2 प्लग यहाँ मिल जाएंगे आपको टांगने के लिए, मिल जाएगा ये भी टांगने के लिए कर्टन। सामने आपको मिरर मिल जाएगा और यहाँ पे लगेज रखने के लिए मिल जाएगा, कुछ भी रख सकते हो सामान वगैरह। एक सीट आपको ये मिल जाएगी, इसमें ये एंगल है, ये बढ़िया है, ये चीज़ ये एंगल है, ये बढ़िया है। और एक यहाँ भी बोतल रखने के लिए, ये 3 ऑप्शन दे रखे टांगने के लिए। ये मिरर है और बाकी विंडो, इनकी 3rd AC की विंडो बहुत क्लियर है, यहाँ से भी देख सकते हो आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। बाकी अभी आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ। ये टेबल है, यहाँ पे आप कुछ रख के खा सकते हो, प्लास्टिक का है।
ये बढ़िया है। और आपको देख सकते हो ये एंगल दे रखे हैं थर्ड एसी में सीट के नीचे, तीन एंगल है ये, एक दो तीन, देख सकते हो कुछ इस तरह से प्लास्टिक का, ये मजबूत लग रहा है। बाकी अभी मैं और आपको दिखाता हूँ, एक सीट मेरी ये वाली है, एक सीट मेरी ये वाली है, 14 और 16 नंबर है मेरी, 14 ये 16 ये, एक लगेज में नहीं रहा, एक लगेज में नहीं है। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम मैंने दिखा दिया आपको, और बाकी तो ठीक है, सफाई वगैरह भी ठीक है, देख सकते हो आप क्लीन है सारा अभी तक तो, और इसकी सीट वगैरह भी अच्छी है, ठीक है, देख लेते हो। ओके बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और चीज़ें। देख सकते हो आप ये मिरर है और सामने ये मिरर, और इस साइड आप देख सकते हो ये अलमारी टाइप दे रखी है, अभी तो कोविड के कारण इसको कुछ नहीं रखा हुआ, नहीं तो पहले थर्ड एसी में ब्लैंकेट पिल नहीं रखते थे, और जो बंदा देखता था वो यहाँ पे बैठता था, उसकी ड्यूटी यहाँ पर होती थी, दो है ये दो हैं, दो इसी में ब्लैंकेट और पिल्लो वगैरह चद्दर वगैरह इसी में रखते थे, और इसी में देते, इसी से निकाल के बंदा यहाँ बैठता था, जो बंदा वो बंदा अंदर प्रोवाइड करता था पैसेंजर को, देख सकते हो दो है, एक ये एक ये। सो गाइस वाराणसी में पूरे एक घंटे से रुकी हुई ट्रेन अभी तक चली नहीं, तो सो मैंस बड़ी सुस्ती से उड़ गई, मैंने मुंह भी धो लिया, फ्रेश भी हो गए, नींद सी अभी भी आंखों में चढ़ी हुई, देख सकते हो आप, और मैंने भी चाय ली है 10 रुपए की। ट्रेन में कभी भी कुछ ट्राई मत करो खाना पीने का, पास मतलब कि अपने घर से ही लेके आओ तो भी बेहतर, वैसे तो ख़राब हो जाता, मैं चावल वगैरह लेके आए थे, दाल वगैरह सब ख़राब हो गया, चाय लिए सब मुझे ताज़गी मिलेगी, ये ठीक है 10 रुपए में वर्थ इट है, और सही है। बाकी एक घंटे से रुकी हुई ट्रेन यहाँ पे, देखते हैं कब चलती है, 7 बज चुके हैं, 6:03 पे रुकी थी वहाँ वाराणसी में, बाकी देखते हैं कितने बजे चलती है। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:09:55 और हमारे यहाँ जो बीती कोच है उसमें एसी इन्होंने पता नहीं बंद कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, एसी चल नहीं रहा, पूरे जो भी पैसेंजर सारे परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको गर्मी वगैरह लग रही है, इन्होंने अभी कंप्लेन की है, देखते हैं बाकी भी सामने देख सकते हो, सामने लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने कंप्लेन की है किसी नंबर पे, अभी मैकेनिक आया वो भी ठीक नहीं कर पा रहा, बाकी देखते हैं कितनी देर में ठीक करते हैं इसे। भाई बंदा अंदर गया हुआ, पता नहीं क्या कुछ उड़ गया है, भाई 15 मिनट के बाद ठीक करेगा बंदा, इसका बैग है 15 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा, कर रहा बंदा काम।
भाई अभी स्टार्टिंग करी है, देखो कितनी देर में चलता है। बहुत सारा भी चल गया, लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये मोल्ट अच्छा टीवी है, इसमें सुबह के बज चुके हैं 3:56। आप देख सकते हो अभी हम पहुंचने वाले हैं बराड़ा, और 4:30 बजे हम पहुंच जाएंगे अम्बाला। उसके पहले आपको बताया था मैं यहाँ पे थर्ड एसी का एक्सपीरियंस सबसे गंदा रहा। अभी फिलहाल 8 बजे तक मेरा सफ़र ठीक था, वहाँ पे एसी सब चल रहा था, वॉशरूम में पानी वगैरह भी आ रहा था। बट जैसे ही 9 बजे, वैसे ही ये देख सकते हो अभी एसी हमारा जो कोच है बी थी उसमें एसी बंद हो गया प्रॉपर। लोगों ने चेंज वगैरह की लड़ाई लड़ी होने लगी, कंप्लेन नंबर पे फ़ोन किया, तब जाके बंदा आया। एक ही बंदा पूरी ट्रेन में एक ही बंदा इंजीनियर या मैकेनिक कह सकते हो उसको, एक ही बंदा वो आया। उसने इसको चेक किया, कह रहा है स्पार्क शॉर्ट हो गया कुछ हो गया। उसने बताया 2 घंटे लगे इसको ठीक करने में, 2 घंटे बाद उसने ठीक किया। बंदों ने बहुत बहस करी कि भाई अपने पैसे दिए, हमारे पैसे लगे हैं एसी के, भैया सर्विस तो मिल रही है। उसके बाद उसने एसी ठीक किया, सप्लाई बंद करवा दिया, ठीक करवाया। ठीक कराने के बाद ठीक हुआ। उसके बाद देख सकते हो आप, अभी मैंने आपको दिखाया था कुछ टाइम पहले कि यहाँ पानी आ रहा, देख सकते हो पानी आ ही नहीं रहा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का क्या हाल है। ना वॉशरूम में पानी आ रहा है, वॉशरूम भी दोनों हमारे गंदे पड़े एकदम, ना कोई सफाई ना कुछ, एकदम मतलब कि जैसे जनरल बोगी का हाल होता है वैसे हाल कर दिए उन्होंने लास्ट टाइम पे। जैसे हम बाला आने वाले हैं बुरे हाल है एकदम, ना कोई सफाई ना कुछ, पानी बंद, एसी वाला भी अभी ठीक मतलब कि 2 घंटे बाद 10:30 बजे तक ठीक हो गया था। बंदों ने कंप्लेन की, लड़ाई होने वाली थी, चेंज वगैरह खींचने वाले थे, बट उससे पहले ही उन्होंने ठीक करवा दिया। और बाकी वही आपको दिखाता हूँ बैक साइड से कितना गंदा इनका वॉशरूम हो गया है और पानी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो गाइस, अभी इससे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ये पूरा साफ था, ये कोई पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। देख लो वॉशरूम के क्या हाल है, यहाँ पानी भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसके भी देख लो क्या हाल है, खाली पानी कुछ नहीं आ रहा है बहुत। ये भी खाली हो गया, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ये भरा हुआ था, पानी भी नहीं आ रहा है। ये देख लो कितने गंदे हाल है। सबसे गंदा एक्सपीरियंस है मेरा थर्ड एसी की इस बार। इससे पहले 8 बजे तक सब सही था, बट आप देख सकते हो आप ना पानी आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली हम अम्बाला पहुंच चुके हैं 4:30 बजे, पूरे करेक्ट ऑन टाइम थी। बट लास्ट में इन्होंने वॉशरूम बेकार कर दिया, पानी बंद हो गया, और इस चीज़ से मेरे को बहुत वो है यार, खेद है इनसे। गंगा सतलुज एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, और टॉयलेट वगैरह साफ नहीं थे, उससे पहले साफ थे, पानी भी आ रहा था अब नहीं आ रहा। और बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। 1219 किलोमीटर हमने तय किया है, और इंस्टाग्राम आईडी हमें मेंशन करो, जल्दी आके फॉलो कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, पीस आउट।